दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की अंतिम खाली सीट के लिए शुक्रवार को वोटिंग हुई। भाजपा कैंडिडेट सुंदर सिंह को पार्टी के पार्षदों के सभी 115 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी की निर्मला कुमारी को कोई वोट नहीं मिला। दरअसल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था। इस जीत के साथ दिल्ली नगर निगम की 18 सदस्यीय स्थायी समिति में भाजपा के 10 मेंबर्स हो गए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के केवल 8 सदस्य हैं। जिस सीट पर चुनाव हुआ वो भाजपा नेता कमलजीत सहरावत के पश्चिमी दिल्ली से सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई थी।